गुड मॉर्निंग ऑल। आज हमारे साथ सर है, राम रवि सर है, और हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रैफिक बुक। आप लोग को आज बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं सर के साथ क्लास। मैं राम नरेश सिंह, एसएसओपीएफ। पिछले क्लास में हमने यातायात बही के बारे में जानकारी बताई थी। यह चूंकि उस समय भी समाप्त हो गया था चैप्टर, लेकिन चूंकि दूसरा क्लास है तो पुनः इसको जो है रिपीट कर रहे हैं। वैसे ट्रैफिक बुक जो है रेलवे की जो संपूर्ण अर्निंग होती है, और ये लेखा कार्यालय में रखी जाने वाली एक पुस्तक है। इसमें सभी प्रकार के जो अर्निंग, रेलवे की अर्निंग, चाहे वो माल ट्रैफिक का हो, कोचिंग का हो, लोकल हो या दूर हो, सभी की एंट्री की जाती है। और इसके जरिए ही जो बकाया है उसकी प्रगति पर भी ध्यान रखा जाता है। ये चार भाग में तैयार की जाती है। इसके चार भाग होते हैं, जो पहला है यातायात स्टेशन लेखा, भाग ख में आता है समायोजन अथवा विभाजन पत्र, ग में होम लाइन का अकाउंट होता है यानी अपनी रेलवे का खाता लेखा, और भाग ख जो है भाग डी अर्जन यानी आमदनी का सार एब्स्ट्रैक्ट, और शेषों का विवरण। स्टेशन अकाउंट के बारे में हम लोग जानेंगे। स्टेशन अकाउंट में घरेलू रेल के जो भी अर्जन होते हैं, अर्निंग होती है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें स्टेशन का नाम जो है, क्योंकि ये एक फॉर्मेट प्रिंट छपा रहता है, इसमें स्टेशन का नाम भौगोलिक क्रम में, भौगोलिक क्रम का मतलब होता है कि जैसे पहला जो स्टेशन है उसके नेक्स्ट स्टेशन जो है उसके बाद छपा रहेगा, उसके बाद के स्टेशन उसके बाद छपा रहेगा, ये सुविधा अनुसार प्रिंट किया रहता है। और इसमें जो पोस्टिंग होती है, एक साइड में सबसे बाएं साइड में स्टेशन का नाम रहता है, उसके जस्ट बगल में बैलेंस रहता है जो कि एक प्रकार से ओपनिंग बैलेंस होता है। अब इसका फिगर जो है पिछले महीने का जो स्टेशन अकाउंट बनता है उसका जो क्लोजिंग होता है इसके लिए वो ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। और डेबिट साइड में जो है, डेबिट में जो भी एंट्री हम लोग करते हैं जिसमें कोचिंग और गुड्स का अर्निंग होता है, यानी जो अर्निंग उसी महीने में प्राप्त होने वाला हो, और सन्ड्री अर्निंग होती है, फिर इसका टोटल होता है। जस्ट उसके बगल का जो कॉलम होता है वो टोटल होता है, उसमें टोटल सिर्फ यही दोनों का होता है। यानी कहने का मतलब जो डेबिट में जो कोचिंग अपलिक गुड्स अर्निंग सैलरी अर्निंग दोनों का टोटल, और सबसे लास्ट में जो है वो रहता है टोटल यानी ओपनिंग बैलेंस सहित डेबिट। ये आपको दिख रहा होगा। और इसको तैयार करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रेलवे बोर्ड का, फॉर्म A3203, और ये दोनों के लिए अलग अलग तैयार किया जाता है। मतलब कोचिंग रिफंड के लिए कोचिंग और गुड्स ट्रैफिक के लिए ये अलग अलग होता है। ये डेबिट पोर्शन वाला ये फॉर्मेट था, और क्रेडिट पोर्शन जो होता है, क्रेडिट में क्या करते हैं कि ये इसमें तीन तरह से आता है, जो या तो पैसा आएगा वह कैश में आएगा, या वाउचर के रूप में आएगा, या ट्रांसफर के रूप में आएगा। तो सबसे पहले कैश का कॉलम रहता है, फिर वाउचर का कॉलम रहता है, और उसके बाद ट्रांसफर का। ट्रांसफर में दो कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, फिर टोटल का रहता है, उसके बाद बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का रहता है, और जस्ट लास्ट में स्टेशन का रहता है नाम। स्टेशन का नाम इसमें उसी तरह से रहता है जैसे डेबिट साइड वाले जो फॉर्मेट है उसमें स्टेशन का नाम बाएं साइड में रहता है, इसमें स्टेशन का नाम दाएं साइड में।
अब होता है कि इसकी पोस्टिंग यानी ट्रैफिक बुक बाटे की पोस्टिंग कैसे की जाती है, कहाँ से उसमें फिगर कहाँ से आता है। ट्रैफिक बुक पार्ट ए की पोस्टिंग जो है स्टेशन बैलेंस शीट के जरिए की जाती है, और इसमें जो पोस्टिंग है सिस्टम जनरेट बैलेंस शीट यानी आजकल जो है प्रत्येक स्टेशन जो है जो भी अर्निंग करता है वो सिस्टम में डालता है और वो सिस्टम के थ्रू ही बैलेंस शीट जनरेट हो जाता है, फिर उसको ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस में भेजा जाता है इंटरनल चेक के लिए, और यहाँ फिर कंप्यूटराइज सिस्टम में वह कंसोलिडेट हो जाता है पूरा। इसमें अगला पोर्शन आता है कि ओपनिंग बैलेंस जो होता है ईच स्टेशन यानी प्रत्येक स्टेशन का वो कैरी फॉरवर्ड मतलब ब्रॉट फॉरवर्ड होता है फ्रॉम द ट्रैफिक फॉर द प्रीवियस मंथ, और उसकी तुलना की जाती है जो बैलेंस शीट में फिगर दिखता है। बैलेंस शीट में चूंकि अकाउंट्स ऑफिस आते आते वो कंसोलिडेट हो जाता है स्टेशन पर वो सेपरेट स्टेशन का, तो ये दोनों की तुलना की जाती है अकाउंट्स ऑफिस में, उसको चेक किया जाता है। और ट्रैफिक अर्निंग वाला जो पोर्शन है उसमें कैश वाउचर और ट्रांसफर तीन शब्द आते हैं। ये तीन शब्द का जो मतलब होता है अब इसमें है कि कैश में फिगर कहाँ से टैली होगा या कहाँ से उसको वेरीफाई करेंगे, तो ये कैश रजिस्टर होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है 2721 उससे इसको टैली कराया जाता है। वाउचर जो होता है वो लोकल या थ्रू का हो सकता है वारंट के जरिए या क्रेडिट नोट के जरिए, ये दोनों के जरिए। और तीसरा होता है ट्रांसफर, तो ट्रांसफर में क्या होता है कि ये दो तरह का बैलेंस शीट ट्रांसफर और बुक ट्रांसफर। अब इसमें होता है कि स्टेशन बैलेंस शीट और बुक ट्रांसफर, बुक ट्रांसफर में का मतलब होता है हो सकता है कि जहाँ बहुत सारा जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ रेलवे का लिंक रहता है, जोड़े स्टेट गवर्नमेंट के लिए अगर रेलवे कोई सेवा देती है तो वो ट्रांसफर होता है वो बुक ट्रांसफर में आता है। और बैलेंस शीट ट्रांसफर ये दोनों इसमें ट्रांसफर के जरिए डेबिट या क्रेडिट दोनों होते हैं। अब आता है कि रेक्टिफिकेशन या किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है अगर, तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक बैलेंस शीट जो है पैरेलल जो है तैयार किया जाता है और उसको हम लोग नाम देते हैं, मैंने ये एक शुद्धि पत्र रहता है एडजस्टमेंट बैलेंस शीट। तो जैसे स्टेशन बैलेंस शीट होता है बैलेंस शीट होता है उसी ढंग से इसको भी तैयार किया जाता है, उसमें जो भी अशुद्धि होती है उसको साथ में ही दर्ज कर दिया जाता है और उसको इसमें समाहित कर जाने ट्रैफिक बुक के साथ उसको समाहित कर दिया जाता है, उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। ये हो गया ट्रैफिक बुक पार्ट ए, और पार्ट बी जो है बंटवारे से संबंधित है, जो अर्निंग का जो बंटवारा होता है उससे संबंधित हमारा पार्ट बी होता है। ये अन्य रेलवे के साथ जो यातायात की अदला बदली होती है वो उसमें अन्य रेलवे हो सकता है या प्राइवेट कंपनी आउटसोर्स एजेंसी जो होती है वो हो सकती है, दोनों के साथ जो यातायात का जो बंटवारा होता है उससे संबंधित। और इसमें जो है कोचिंग के लिए और माल के पार्सल के लिए अलग से इसमें दिखाए जाते हैं फिगर, और लेकिन माल के लिए मैंने पैसेंजर के लिए और पार्सल के लिए आंकड़े अलग से दिखाया जाता है यानी अलग अलग, लेकिन गुड्स के लिए कंसोलिडेट यानी टोटल फिगर ही सिर्फ दिखाया जाता है। और इसमें जो एंट्री किया जाता है जो नेट फिगर होता है यानी जो दो दोनों रेलवे के बीच में या प्राइवेट पार्टी के बीच में जो बंटवारा होता है उसका जो नेट फिगर होता है उसी से आंकड़े इसमें दर्ज किए जाते हैं। इसको जो है पार्ट बी को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 3219,
इसमें मेंटेन किया जाता है। और दूसरा इसी का एक पोर्शन आता है ये 3220, यानी गुड्स ट्रैफिक के लिए 32 पीस और पैसेंजर ट्रैफिक के लिए, कोचिंग ट्रैफिक के लिए जो है 32-19, ये दो फॉर्मेट है जिसमें उसको दर्ज किया जाता है। अब है कि बंटवारा किस ढंग से किया जाता है। अब इसमें जो है दो रेलवे के बीच एक प्रकार का एडजस्टमेंट होता है। इसका में कुछ सिद्धांत है, इसका किस सिद्धांत पर इसमें समायोजन किया जाता है। इसका मेन प्रिंसिपल यह होता है कि होम रेलवे को, यानी जो स्थानीय रेलवे है, अन्य रेलवे के अर्जन के भाग को उसको देना पड़ता है। मतलब दूसरे रेलवे के लिए अगर कोई अर्निंग हुई है अपने स्टेशन पर, उसको दूसरे रेलवे को भी देना है, ये दिमाग में रखा जाता है। इस सिद्धांत पर वसूली की जाती है और इस प्रकार से उसको अपना अर्जन जो है हिस्सा अपने हिसाब में डालना पड़ता है, जिसके लिए वसूली के लिए वह रेलवे खुद जिम्मेवार है। और इसका जो फिगर होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं ग्रैंड टोटल को पार्ट ग में, यानी भाग ग में, ट्रैफिक बुक पार्ट सी में। और इसमें जब बंटवारा किया जाता है तो इसमें कुछ एक्सेस दिया जाता है। कहने का मतलब जो एक्सेस फेयर हो गया, लगेज हो गया, या एनिमल वगैरह गॉड्स वगैरह हुआ, इस टाइप का जो भी अर्निंग होता है, जो कलेक्टिव रेलवे यानी जिस रेलवे में इसकी असूली हुई है वही रेलवे अपने पास रख लेती है, उसका कोई बंटवारा नहीं होता है। बंटवारा सिर्फ किसका होता है, जो पैसेंजर अर्निंग होता है या माल का अर्निंग होता है। ये इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको ये हो सकता है, बन सकता है कि एक्सेस फेयर लगेज एनिमल से जो प्राप्त होने वाला है, या कोई भी सरचार्ज वगैरह जो है, अगर जो रेलवे वसूलती है वो उसी का हिस्सा माना जाता है, वो उसमें बंटवारा नहीं होता है, वो अपने पास रख लेती है। और उसमें जो बंटवारा होता है उसका दो तरीका होता है, वो मेथड होता है बंटवारे का। आजकल वो बंटवारा जो है सेंट्रलाइज अपोर्शनमेंट सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित है, वो क्रीज करता है। यानी जैसे ही कोई भी अर्निंग होती है स्टेशन अगर सिस्टम में उसको डालता है, वो अपने आप जो है प्रत्येक स्टेशन का हिस्सा बढ़ जाता है और वो स्टेशन बैलेंस शीट के जरिए जो है ट्रैफिक अकाउंट में कंसोलिडेट हो जाता है, यानी यहाँ जो ट्रैफिक ग्रुप में वो चलाता है। तो इसका दो मेथड है बंटवारे का। कहता है कि बियर इन द केस ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स अपोर्शनमेंट इज कैरिड आउट बाय सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जिसको हम लोग कैश कहते हैं, CAS, यानी सेंट्रलाइज्ड अपोर्शनमेंट सिस्टम, इसके जरिए हो जाता है। दूसरा होता है डिवीजन सीट के माध्यम से, इसके माध्यम से जो है वो किस कंडीशन में होता है, तो पार्सल अर्निंग हुआ, पोस्टल हॉलेज हुआ, ये इसके माध्यम से यानी डिवीजन सीट के माध्यम से ये बंटवारा होता है, या प्राइवेट पार्टी जो होता है उसके जरिए जो होता है उसके माध्यम से, डिवीजन सीट के माध्यम से। लेकिन गुड्स अर्निंग हुआ या पैसेंजर अर्निंग हुआ, ये अर्निंग सेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से जो रेलवे या प्राइवेट पार्टी के बीच में बंटवारा होता है। अब है कि इसमें पोस्टिंग कहाँ से की जाती है, यानी ट्रैफिक पार्ट बी में जो पोस्टिंग होती है, वो पोस्टिंग वास्तविक जो परिणाम होता है अपोर्शनमेंट का, उसके जरिए की जाती है, यानी उसके टोटल फिगर को इसमें दर्शाया जाता है। अंत में इसकी जांच की जाती है, यानी ट्रैफिक बुक पार्ट बी की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि अपने रेलवे का कुल डेबिट जो है और क्रेडिट का योग अन्य रेलवे के डेबिट या क्रेडिट के टोटल के विपरीत योग के बराबर है।
अब हम लोग पार्ट सी देखेंगे। ये अपनी रेलवे का खाता होता है जिसमें तीन सील्स होते हैं, ट्रैफिक अकाउंट, अदर रेलवे का खाता और डिपॉजिट प्राइवेट कंपनियों का खाता, यानी खाता दूसरे का लेकिन उसको मेंटेन हम अपने रेलवे के खाते में कर रहे हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये 3225, इसके अंतर्गत ये फॉर्मेट आता है, उसी में इसको कंसोलिडेट किया जाता है, मतलब उसमें एंट्री की जाती है, बनाया जाता है। ये एक प्रकार से लेजर अकाउंट है, यानी तीन लेजर अकाउंट, यानी ट्रैफिक अकाउंट, अदर रेलवे का अकाउंट और प्राइवेट कंपनियों का खाता। यातायात जो लेखापाला जो होता है, ट्रैफिक अकाउंट, इसका उद्देश्य होता है कि प्रत्येक माह की जो यातायात अर्निंग है यानी आमदनी है एवं उसकी वसूली, वो जिस महीने में वो क्रिएट हुआ है यानी उत्पन्न हुआ है उसी महीना में उसको उसी खाते में दर्ज करना है। और यह खाता जो होता है सभी अर्निंग के लिए देनदार होता है और सभी वसूली के लिए जमादार होता है। कहने का मतलब ये दिस अकाउंट इज डेटर फॉर ऑल अर्निंग और क्रेडिटर फॉर ऑल रिकवरी। ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है ये पूछा जाए कि यातायात लेखा जो है किस प्रकार की, मैंने किसके लिए डेबिट होता है, डेटर होता है, देनदार होता है और वसूली के लिए क्रेडिटर होता है। इसमें जो बैलेंस बचता है यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो बैलेंस हो गया, और बैलेंस का मतलब होता है जो वह वैसी वैसा फिगर होगा जिसकी वसूली के लिए रेलवे अभी जिम्मेवार है, मतलब वो बकाया हो। अब इसमें है आंकड़ों की पोस्टिंग हम कहां से करें, इसमें है जो ओपनिंग बैलेंस ट्रैफिक बुक पार्ट सी से जो पिछले महीने का है वहां से लाया जाता है, और कॉरस्पॉन्डिंग फिगर जो है वो पार्ट ए से और अकाउंट्स बैलेंस शीट से लाया जाता है, यानी दोनों दो जगह से इसका हुआ। जो ओपनिंग बैलेंस शुड बी ब्राउट फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रैफिक बुक पार्ट सी, मतलब पिछले महीने का जो फिगर है क्लोजिंग होगा इस महीने के लिए ओपनिंग हो जाएगा, और ट्रैफिक अर्निंग जो है जो क्रेडिटेड हुआ है क्रेडिट हुआ है स्टेशन बैलेंस शीट में उसको शुड बी फॉरवर्ड फ्रॉम द ट्रैफिक बुक पार्ट ए, यानी पार्ट ए से उसको लाया जाता है। तो ये सब सोर्स है जहां से इसकी पोस्टिंग की जाती है। दूसरा होता है कि अन्य रेलों का खाता, पहला था यातायात लेखा, दूसरा है अन्य रेलवे का खाता, यानी दूसरे रेलवे का खाता। ये अपने रेलवे की पुस्तक में अन्य रेल का खाता होता है, इसमें क्या होता है कि सभी ट्रांजैक्शन जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं मेरे बंटवारे के परिणाम स्वरूप जो अर्निंग का बंटवारा होता है जो अदर रेलवे के साथ या प्राइवेट कंपनियों के साथ, वो बैंक के थ्रू या ट्रेजरी के थ्रू पास होकर अकाउंटिंग होती है, उसकी अकाउंटिंग यानी लेखाकरण होता है, और ओपनिंग बैलेंस जो होता है इन फेवर और अगेंस्ट इस रेलवे शुड बी ब्राउट फॉरवर्ड फ्रॉम द ट्रैफिक पार्ट सी, पिछले महीने के पार्ट सी से लिया जाता है। और जो रिजल्ट होता है रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ इंटरचेंज ट्रैफिक, यानी जो दो रेलवे के बीच जो यातायात का जो आदान प्रदान हुआ है वो पार्ट बी से लिया जाता है। और
अंत में जो बैलेंस निकलता है वो किसको दर्शाता है कि वो दर्शाता है अनएडजस्टेड, यानी जो बिना एडजस्टेड रह गया और उसकी उसकी सहायता से अकाउंट करेंट बनाने में वो सहायक होता है। अब आता है जमा प्राइवेट कंपनियों का अकाउंट। ये जो प्राइवेट कंपनी होती है जो रेल के लिए कार्य करती है उसका खाता अपने रेलवे के खाते में होता है। इसमें प्रत्येक महीने में जो अदला बदला यानी जो रेल के लिए वो यातायात बेचता है उसका लेखा जोखा होता है। इसमें उसके को जो भुगतान किया जाता है या उससे जो प्राप्ति की जाती है वसूली की जाती है उसका लेखा जोखा होता है। अब है कि ट्रैफिक बुक पार्टी का क्लोजिंग कैसे करते हैं। तो इसमें अंत में सब टोटल किया जाता है, जितने भी हेड होते हैं सबको टोटल किया जाता है। जैसे कोचिंग का हुआ, गुड्स का हुआ, सन्ड्री का हुआ, और उसको पार्ट डी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जहां जाकर ये जनरल एंट्री में रेलवे के सामान्य पुस्तकों के साथ इसका मिलान किया जाता है। ये हो गया पार्ट सी। अब आता है पार्ट डी। पार्ट डी जो है ये एक प्रकार से जनरल एंट्री है, मंथली जनरल एंट्री है, और इसमें दो स्टेटमेंट भी बनते हैं। इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 32/33A, 32/33, जिसमें इसको मेंटेन किया जाता है कोचिंग और गुड्स रिफंड के लिए अलग अलग। और इसमें पार्ट डी में फॉर्म ए 32/33 में क्या रहता है, तो इसमें शुरू में पहला कॉलम जो होता है डेबिट एज पर पार्ट सी ऑफ कोचिंग गुड्स ट्रैफिक, इसमें कंसोलिडेटेड फिगर रहता है टोटल। और सेकेंड पार्ट जो होता है वो अकाउंट्स होता है, साइड का जो कॉलम है इसमें जो है नॉमिनी क्लेचर रहता है, यानी ट्रैफिक अकाउंट में मान लिया यहाँ एग्जांपल के तौर पर जितना अमाउंट डेबिट होता है एज पर पार्ट सी तो उतना ही अमाउंट जो है क्रेडिट में टोटल में होना चाहिए, लेकिन बीच में इस राइट साइड में जो है बाइफर्केशन रहता है, जो कोचिंग से इतना या संडी अर्निंग से इतना या अदर से इतना या प्राइवेट कंपनी से इतना या ये सभी का टोटल जो है वो डेबिट साइड से मिल जाना चाहिए, यानी दोनों टोटल हो जाना चाहिए। अब इसमें है कि दो स्टेटमेंट बनते हैं, एक विवरण वन होता है और एक विवरण टू होता है। विवरण वन में क्या होता है कि विवरण वन में अन्य रेल या डिपॉजिट प्राइवेट कंपनी के साथ लेन देन का निपटान या अंतरण प्रमाण पत्र के द्वारा ट्रांसफर के द्वारा जो दर्ज होता है उसको दर्ज किया जाता है, और उसकी खतौनी जो होती है वो ट्रैफिक बुक भाग ग से किया जाता है, यानी आपस में सभी भाग एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। ट्रैफिक बुक का प्रत्येक पार्ट जो है एक दूसरे से लिंक रहता है। इसी का स्टेटमेंट टू में क्या होता है, ये स्टेटमेंट टू में आता है तो वही के आंकड़ों का मिलान रेल की सामान्य पुस्तक में जो आंकड़ा है उससे किया जाता है। और ये पोर्शन अच्छी तरह से समझने के लिए जो है ये जो फॉर्मेट है उसको सामने रख के थोड़ा देर सोचना पड़ेगा, तब जाके ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब है कि इसमें ये तो पूरा पार्ट हो गया है, इसमें अब ऑब्जेक्टिव टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
हालांकि रेलवे की ये पूछा जा सकता है, रेलवे की समस्त अर्निंग जो होती है उसको अकाउंटल करने के लिए उसके संपूर्ण अर्जन को लेखांकन हेतु जिस खाता बही का में उसको संकलित किया जाता है उसका क्या नाम है, उसको हम लोग यातायात बही के नाम से जानते हैं। दूसरा है कि वो कितने पार्ट में यातायात बही को कितने पार्ट में प्रतिपादित किया जाता है, तो वो चार भाग है। चार भाग में कौन कौन सा हो गया, एक हो गया स्टेशन अकाउंट यानी स्टेशन लेखा, दूसरा हो गया एडजस्टमेंट यानी समायोजन या डिवीजन शीट विभाजन पत्र, तीसरा हो गया अपनी रेलवे का खाता यानी लेजर अकाउंट ऑफ द होम रेलवे, चौथा हुआ आमदनी का सार यानी एब्स्ट्रैक्ट और शेष का विवरण। उसके बाद ये हो सकता है कि यातायात बही भाग को किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है ये 3203। दूसरा हो सकता है कि यातायात भाग ख जो कोचिंग यातायात के लिए जो प्रतिपादित किया जाता है उसको किस फॉर्मेट में तैयार करते हैं, ये A3219। फिर यातायात वही भाग ख का जो माल यातायात है वो किस फॉर्म में हेलो हाँ बोलिए। कोचिंग का जो फॉर्म है A3219 यातायात वही भाग ख कोचिंग यातायात के लिए जो फॉर्मेट है वो A3219, और यातायात भाग ख में ही जो माल यातायात के लिए है वो फॉर्मेट होगा A3220 यानी 3220। और उसके बाद है कि यातायात वही भाग ग वो कोचिंग और गुड्स के लिए एक ही फॉर्मेट यानी फॉर्मेट अलग अलग रहेगा लेकिन फॉर्मेट का जो प्रारूप रहेगा वो सेम रहेगा, यानी अलग अलग उसको बनाया जाता है भाग ग को लेकिन फॉर्मेट का जो नंबर है वो सेम रहेगा यानी 3225 A3225। अगला है कि यातायात वही भाग ख, भाग ख को जो मेंटेन किया जाता है वो A3233 यानी A3233, ये कोचिंग के लिए और गुड्स ट्रैफिक के लिए अलग अलग मेंटेन किया जाता है। एक आता है कि अर्जन का जो कंप्यूटराइज सिस्टम है जो बंटवारे का सिस्टम है उसको CAS के नाम से जो बोला जाता है, जो आपस में जो बंटवारा होता है वो सिस्टम क्या है, जो क्रिस के द्वारा आजकल जो है क्रिस के द्वारा वो सिस्टम है बनाया हुआ कंप्यूटराइज सिस्टम, उसको कहते हैं सेंट्रलाइज अपोर्शनमेंट सिस्टम, सेंट्रलाइज अपोर्शनमेंट सिस्टम। फिर एक आता था कि जब बंटवारा होता है अर्निंग का तो उसमें कुछ आइटम होते हैं जैसे एक्सेस फेयर हुआ, एनिमल हुआ, लगेज में अगर जो आमदनी होती है लगेज के माध्यम से या एनिमल बर्थ का ट्रैफिक होता है उसके माध्यम से वो रेलवे जो असूलती है उसी का हिस्सा माना जाता है, उसमें कोई बंटवारा नहीं होता है। अब ये भी हो सकता है कुछ तो मैंने क्वेश्चन मान लिया जाए जो बन सकता है कि भाग ह में जो विवरणी बनाई जाती है वो कितने प्रकार की होती है, जो स्टेटमेंट बनता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। ये सब क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें पूछा जा सकता है। ये था आपका ट्रैफिक बुक।
इसमें कुछ पूछना है? बत्तीस तैतीस फॉर्मेट है, मैंने जैसे यातायात वही चार भाग में प्रतिपादित करते हैं ना, यातायात वही भाग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जिसमें जो प्रारूप होता है प्रकार का परफॉर्मा होता है, जिसमें फिगर को जो है कंसोलिडेट करते हैं, बनाया जाता है यातायात वही भाग को, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 3233। ये 3233 ये कोचिंग के लिए, कोचिंग यातायात के लिए और गुड्स ट्रैफिक के लिए, माल यातायात के लिए अलग अलग बनता है, लेकिन फॉर्मेट एक ही रहता है। हाँ, फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन कोचिंग के लिए एक बार में बनेगा, फिर गुड्स के लिए, गुड्स ट्रैफिक के लिए दूसरे बार में बनेगा, लेकिन फॉर्म एक रहेगा। शुरू से नोट कर लीजिए, यातायात वही भाग क का जो फॉर्मेट है ये 3203। हाँ, यातायात वही भाग क यानी ट्रैफिक बुक पार्ट ए। फिर है यातायात वही भाग क में इंद्राज यानी एंट्री का सोर्स, मेन सोर्स क्या है, कहां से फिगर उसमें एंट्री किया जाता है, यह भी क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में। यानी यातायात वही भाग क में एंट्री का सोर्स क्या है, फिगर को इंद्राज करने का सोर्स क्या है, उत्तर होगा उसका स्टेशन बैलेंस शीट। है कि यातायात वही भाग ख ये कोचिंग यातायात के लिए और माल यातायात के लिए अलग अलग तैयार किया जाता है, तो भाग ख में कोचिंग यातायात के लिए जो तैयार किया जाता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, उसका उत्तर हो जाएगा ए 3219 यानी ए 3219। फिर है यातायात वही भाग ख जो कि माल यातायात के लिए तैयार किया जाएगा, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा ए 3220। उसके बाद है यातायात वही भाग ग जो कोचिंग और गुड्स दोनों के लिए तैयार किया जाएगा, लेकिन नंबर एक ही रहेगा, यानी दोनों एक ही फॉर्मेट में तैयार होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का नंबर होगा ए 3225। यातायात वही भाग ग यानी ट्रैफिक बुक पार्ट सी जो कोचिंग और गुड्स यातायात के लिए एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो ए 3225 है उसमें तैयार किया जाएगा। क्या बोले? अप्रोक्स बैलेंस शीट इसमें कहाँ है, ट्रैफिक बुक में कहाँ है? नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? इसको क्लियर कीजिए, यातायात वही भाग ख इसका फॉर्मेट नोट कर लीजिए ये 3233। ए 3233 ए 3233
भाग भ में इसको मैंने ए 32-33 में तैयार किया जाएगा। भाग भ कोचिंग और गुड्स ट्रैफिक के लिए अलग अलग बनेगा। एक ये होगा और एक सवाल ये हो सकता है कि ट्रैफिक बुक पार्ट ए में जो अर्निंग होती है, जो अर्जन होता है, वो किस प्रकार का अर्जन होता है, जिसके के लिए कौन जिम्मेवार है। तो उसमें आंसर होगा कि अपनी रेलवे यानी होम रेलवे। अर्निंग चाहे दूसरे का भी हो, लेकिन क्योंकि इसके स्टेशन पर वो प्राप्त हो रहा है तो होम रेलवे का स्टेशन वही उसकी वसूली के लिए जिम्मेवार हो। बाद में जो बंटवारा होता है अर्निंग का, तो वो प्रत्येक दूसरे रेलवे के साथ या प्राइवेट पार्टी के साथ, बाद में जो अपॉर्शनमेंट के जरिए जो है उसका हिस्सा उसको मिल जाता है, प्राइवेट पार्टी का हिस्सा प्राइवेट पार्टी को मिल जाता है और अपनी रेलवे अपना हिस्सा अपने रख लेता है। ये था आपका ट्रैफिक बुक। तो हो गया। और किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर से। सर आज आपका लास्ट क्लास है, आज सर का लास्ट क्लास है, कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है आपको भी सर, जो हिंदी का जो नोट्स होगा हम डाल देंगे। हिंदी का जो नोट्स है ना, हिंदी का जो नोट्स है हिंदी में, वो हम डाल देंगे जो साइट है व्हाट्सएप से, जो साइट है उस पर। नरेंद्र जी आपको कुछ पूछना है सर? हेलो किसका? अर्निंग में बताया ना, जो हालेज हुआ, लगेज हुआ, ये सब छोड़कर जो जानवर वगैरह से संबंधित यातायात होता है वो सब छोड़कर बाकी सभी अर्निंग का बंटवारा होता है। इसमें यही है कि जो लगेज का, लगेज वाला जो पोर्शन होता है या हॉलेज का होता है या जानवर से संबंधित यातायात होता है, ये जो रेलवे असूली करता है वो रख लेता है, उसका बंटवारा नहीं होता। लेकिन उसके नहीं, उसका नहीं होता है, उसके बाद जो भी अर्निंग है माल में या पैसेंजर में सबका बंटवारा होता है। हॉलेज, हॉलेज चार्ज होता है, एक पार्सल होता है, एक जानवर से संबंधित होता है, जानवर मवेशी वगैरह का जो होता है रेलवे उसका वर्ड्स वगैरह या सरचार्ज हुआ वो सब, एक्सेस फेयर, कोई ज्यादा वसूली अगर रेलवे कर लिया है, जो स्टेशन कर लिया ज्यादा वसूली, तो वो टाइप का बंटवारा नहीं होता। जो रेलवे वसूलती है वो अपने पास रख लेती है, वो आपस में बंटवारा नहीं। मोबाइल पे ऐड हो जाइए, मोबाइल पे पढ़ाई। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? वो जनरली होता क्या है कि बहुत सारा ऐसा स्टेशन भी होगा जहां पर पूरी तरह से कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं, तो वहां पे वो मैनुअली करता है, अपना बुक मेंटेन करता है और वो स्टेशन बैलेंस शीट बना के जब ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस को भेजता है तो यहां पे वो कंप्यूटराइज हो जाता है। और बहुत सारा स्टेशन है जहां पे कंप्यूटर उपलब्ध है, वो सिस्टम उपलब्ध है, तो वहां जैसे ही वो अर्निंग को डालता है उसमें, वो कैश के माध्यम से यानी
जो अपॉर्शनमेंट सिस्टम सेंट्रलाइज है, ग्रीस के द्वारा जो बनाया गया है रेलवे बोर्ड के थ्रू, वो उसके जरिए अपने आप बट जाता है और वो स्टेशन जब बैलेंस शीट बनाता है तो उसमें वो चला जाता है। अगर कंप्यूटराइज है तो कंप्यूटराइज रूप में जाएगा, और स्टेशन अगर मैनुअल है तो मैनुअल रूप में ही कंसोलिडेट करके अकाउंट ऑफिस को भेजेगा, ये सिस्टम। लेकिन अंततः जब रेलवे बोर्ड को फिगर जब जाता है, उससे पहले जो है अकाउंट ऑफिस में वो कंप्यूटराइज हो जाता है, कंसोलिडेटेड। आपने कहे ना सेंट्रलाइज सिस्टम है ना, वो जैसे जो रेलवे उसको अर्निंग किया, अगर दूसरे रेलवे का भी वो हिस्सा है, जो अभी का पोजीशन है, ये तो पहले का जो किताबी ज्ञान है तो पहले का चल रहा है, लेकिन जो अभी का सिस्टम है कि जो स्टेशन पर वो अर्निंग जैसे ही कंप्यूटर में डालता है, तो जो रेलवे बोर्ड का सिस्टम बना हुआ है ग्रीस के द्वारा सेंट्रलाइज अपॉर्शनमेंट सिस्टम, वो प्रत्येक रेलवे को आपस में बांट देता उसी समय। बाद में उसको बांटने का आधार है कि वो डिस्टेंस वगैरह जो है ना, उसका कितने दूरी उस रेलवे में चला है, ये वो सिस्टम में फिट अप है, उसमें कुछ हाथ से करना नहीं, वो अपने आप बट जाता है। और वो हाँ हाँ उस आधार पे वो बट जाता है, और वो चूंकि अकाउंटर करना है उसको रेलवे के खाते में, हर एक रेलवे का अपना अपना हिस्सा है, तो ये काउंटर करने के लिए ये ट्रैफिक बुक में आता है। तो यहाँ अकाउंट ऑफिस में चेक होता है, वो जैसे अलग अलग स्टेशन भेजा और एक सिस्टम से कंसोलिडेट हुआ, दोनों को मान लिया कहीं पे कोई कंफ्यूजन हुआ तो उस स्टेशन का डाटा निकालेगा या उसका बुक निकाले, बैलेंस शीट निकालेगा, फिर उससे देखेगा जो वो कितना भेजा है और यहाँ कितना दिख रहा है। ट्रैफिक अकाउंट का जो बैलेंस शीट है वो बड़ा है? नहीं, एमपीए बोल रहा है ना? हाँ हाँ वही 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 है जो दूसरा वाला में, जो अपॉर्शनमेंट के सार नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट दूसरा जो नहीं था, स्टेशन अकाउंट के बाद जो था डिवीजन सीट और स्टेशन का जो सार है वो मैट्रिक्स हुआ। आजकल वो भी कंप्यूटराइज सिस्टम में है। टूबे के लिए आप लोग को उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, समझे? टूबे में तो चूंकि अब 80% जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया ना, अब जो है ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया जाए थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी जितना सही ढंग से पढ़ेंगे उसी में से ऑब्जेक्टिव निकलेगा, क्योंकि शुरुआती दौर है, शुरुआत में अभी शुरुआतें हुआ है ऑब्जेक्टिव का, तो इसमें तो जो भी होगा थोरो रीडिंग होगा उसी के अंदर से ऑब्जेक्टिव निकालना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा जो क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जो मटेरियल है वो हम डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका उसके। एक दिन का क्लास था, दो दिन में दिया गया था। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है पूछ ले सर से। बोलिए, जोर से बोलिए।
आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। फुल फॉर्म बताइए उसका। डिपॉजिट प्राइवेट कंपनी जो होती है, जैसे रेलवे के लिए यातायात बेचती है, प्राइवेट पार्टी जो आउटसोर्स एजेंसी नहीं रेलवे रखे हुए रहती है, बहुत सुदूर क्षेत्र में होता है जहाँ पे रेलवे का अपना कार्यालय नहीं होता है, लेकिन उसको यातायात बेचना है तो प्राइवेट एजेंसी को वो काम दे देती है। वो इसके लिए बुकिंग करती है, जैसे ट्रेन को बुक करना है, मान लिया पैसेंजर ट्रेन है या कोई ट्रेन है उसको बुकिंग करना है या कुछ ट्रैफिक उसका बुक करना है, तो बुकिंग वो रेलवे के लिए करती है, लेकिन बाद में बदले में रेलवे उसको कुछ है या कमीशन कहिए या जो भी कहिए वो उसको देती है, लेकिन वो जो भी अर्निंग करती है वो रेलवे को देती है, वो प्राइवेट कंपनी होती है, डिपॉजिट प्राइवेट कंपनी। ऑब्जेक्टिव तो जितना बनता था उसको बता दिए हम, अब उसको जो डाल देते हैं व्हाट्सएप पर उसको लाइन टू लाइन पढ़िएगा, उसमें हो सकता है कुछ ऑब्जेक्टिव और निकले, और हम कुछ और ऑब्जेक्टिव आपको व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उस पर डाल देंगे, हिंदी का मटेरियल डाल देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, ठीक है। हाँ हिंदी में ही मटेरियल डाले। अभी भी 10 मिनट टाइम है हमारे पास, अगर कोई एक ही सवाल है आपको तो आप पूछ सकते हैं। जो अपनी रेलवे पर जो जो भी अर्निंग होती है उसको अकाउंटल करने के लिए यातायात लेखा बनाया जाता है, और इसको जो है ट्रैफिक बुक पार्ट ए का ये पोर्शन हुआ, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रेलवे बोर्ड का A3203 में, इसको कोचिंग के लिए और माल यातायात के लिए अलग अलग बनाया जाता है, और इसका जो प्रोफॉर्मा होता है जो प्रारूप होता है फॉर्मेट का, ये ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पर यानी भौगोलिक स्ट्रक्चर के अनुसार छपा रहता है, यानी रेलवे जो भी स्टेशन है जो अर्निंग करता है वो जब उसमें एंट्री करे तो उसको सुविधा हो, इस ख्याल से उसमें बनाया जाता है। मतलब सपोज डेट अगर हाजीपुर है तो हाजीपुर के बाद नीचे छपा होगा
अगला स्टेशन का नाम, उसके बाद उसके अगले स्टेशन का नाम, इस ढंग से यह छपा रहता है। और इसमें जब पोस्टिंग किया जाता है तो पिछले महीने का जो स्टेशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो इस महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। और डेबिट साइड में जो होता है, जिस महीने में इसको बना रहे हैं उस महीने में कोचिंग और गुड्स अर्निंग का जो जितना अर्निंग हुआ वो लिखा जाता है डेबिट साइड में, या सन्डरी अर्निंग दोनों लिखा जाता है। फिर टोटल डेबिट को की डेबिट को का टोटल किया जाता है, यानी कोचिंग गुड्स अर्निंग और सन्डरी अर्निंग। और लास्ट में जो टोटल होता है, यानी इसमें दो टोटल होता है, एक डेबिट का टोटल और एक टोटल होता है जो ओपनिंग प्लस डेबिट, ये दोनों का टोटल, ये डेबिट साइड हुआ। और क्रेडिट साइड जो होता है, जो वसूली होता है, क्रेडिट साइड में वसूली या तो कैश के माध्यम नगद हो सकता है, वाउचर के माध्यम से हो सकता है, या ट्रांसफर के माध्यम से हो सकता है। तो इसमें कॉलम रहता है क्रेडिट साइड में कैश का, वाउचर का और ट्रांसफर का। और फिर उसके बाद टोटल एक कॉलम होता है, और फिर बैलेंस का कैरी फॉरवर्ड होता है, लास्ट में स्टेशन का नाम होता है। कहने का मतलब जो स्टेशन अकाउंट के पार्ट वन में शुरू में स्टेशन का नाम था, इसमें भी लास्ट में क्रेडिट साइड में भी स्टेशन का नाम रहता है, उल्टा क्रम में छपा हुआ। इसका सोर्स जो होता है ट्रैफिक बुक पार्ट ए का, यानी स्टेशन अकाउंट में मेन एंट्री का सोर्स होता है स्टेशन बैलेंस शीट, यानी स्टेशन बैलेंस शीट से ही आंकड़े इसमें पोस्ट किए जाते हैं। हो गया आपका स्टेशन बैलेंस शीट, ट्रैफिक स्टेशन अकाउंट। और कुछ राजा कुमार, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, आपका माइक ऑन है। थैंक्स। हो गया है ना, सब्जेक्टिव का प्रॉब्लम मतलब पता नहीं, तो आप ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, सब्जेक्टिव को बता दीजिए, ये से सर जी ये से सर जी ऐसा हो सकता है कि उनका नंबर भी पुराने नंबर का नंबर मिल गया इसलिए। That's what I mean. ये आपका जवाब हो गया सर, ट्रैफिक सस्पेंस क्या है इसका? ओके आंसर वो अलग आंसर दीजिए। ट्रैफिक बुक क्या है? नहीं मैं बात कर रहा हूँ।
सर।